बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलि मोहम्मद। शाह जंजानी काशान जंजानी लाहौलपल्ली से आपसे मुखातिब हूँ। ये अमर बाई से मुसरत है कि साल 2023 की आमद आमद है और इस मौके पर हमारे इदारे की जंजानी जयंती 2023 जो पाकिस्तान और हिंदो पाकिस्तान की मकबूल तरीन जयंती है, ये शायाओं के मार्केट में आ चुकी है और इससे बढ़ के मार्फत इमाम ज़बानक के लिए 12 इमाम जयंती भी मार्केट में आ चुकी है और लकी नंबर के मतवालों के लिए हमारे इदारे की इनाम लकी नंबर 2023 जो ज़म है अलबिरूनी तकवीम 2023 में ये भी जनाब इसमें आ चुकी है। चूँकि ये जो 2023 है ये इसका मुफरद नंबर 7 और ये 7 लकीस बनता है और 7 लकीस जो है ये बहुत ही खूबसूरत नंबर्स हैं। ना सिर्फ ये बल्कि हमारा जनवरी का रिसाला आईना किस्मत भी मार्केट में आ चुका है और इसके सारे वर्क पे हमारे साबिक दोनों वज़ीरे आज़म मियां नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब की तस्वीर और इनका जो काबली जायचा है कि अरूज आजमाइश कब तक नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान, ये आप पढ़ के लुत्फानंदोज़ हो सकते हैं और आप आने वाले वक्त के बारे में जान सकते हैं कि पाकिस्तान में 2023 में इलेक्शन की क्या सूरत हाल हो सकती है, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, ये सब जानने के लिए आप आईना किस्मत का शुमारा पढ़ें। और मज़ीद यह है कि 12 साल के बाद साद अकबर से दारा मुश्तरी जिसमें कुदरत ने तमाम तरह की खैर बरकत रखी है, ये कुली तौर से दौलत का मंसूब सितारा है। इसके लिए भी एक मुफसल और तहकीकी आर्टिकल जिसमें शाया किया गया है जिससे हमने अरूज मुश्तरी का नाम लिया है, इसमें अलवा बनाने का ख़ास एक तरीका दिया गया है और अगर आप ये बनाना चाहें तो इसमें आपको अच्छे अच्छे टाइमिंग मुतद्दद टाइमिंग इसमें हमने दिए हैं जिसमें आप अलवा को तैयार कर सकते हैं, अल्लाह ताला के बाबरकत नामों को इसमें शुमार करके फैज़याब हो सकते हैं। रिज़्क़ की कुशादगी और खैर बरकत का मसला आज पूरी दुनिया का मसला है। दुनिया में जो एक माशी क्राइसिस आया हुआ है, हर कोई शख्स चाहता है कि अल्लाह ताला उसे अपने कर्म से अपने जूदो सखा से इनाम से नवाजे और अरूज मुश्तरी का मजमून आप इसमें मुलाजा फरमा सकते हैं। याद रहे कि मैं अपने महाना विजिट पे 21 से 25 तक रावलपिंडी रहूँगा। वो बहन में जो किसी भी रूहानी सिलसिले में मशावरत करना पसंद फरमाएँ जो नीचे नंबर आ रहा है टाइम लेके मिल सकते हैं। मेरी ढेरों दुआएँ और नया साल हम सब के लिए खुशियाँ लेके आए, इस दुआ के साथ शाह जंजानी को इजाज़त दीजिएगा। आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा।